अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर फिजिक्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.10 और वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, फिर उसकी क्या करेंगे, इक्वेशन की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर उसकी डेफिनेशन की तरफ जाए तो हम उसको यू डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय वन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट। यानी हम इसको यू डिफाइन कर सकते हैं, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो ये मेरे पास क्या थी, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड आर lost by an electron, gained or lost by an electron when it moves through a potential difference of 1 volt। तो हम क्या define कर सकते हैं, 1 electron volt is the amount of energy gained or lost by an electron when it moves through a potential difference of 1 volt। तो मतलब ये क्या हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी है गेन और लॉस जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के पास होती है जब वो क्या करता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट में क्या करता है मूव करता है। तो अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो हम कंसीडर करेंगे, एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे पास जो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो आप प्रूव करो कि 1.6 जूल के बराबर होता है। मतलब हमारे पास जो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो हमारे पास 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल के बराबर है। इसको हम इसके बराबर क्वेश्चन ये भी आता है, लेकिन अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाए तो हम इसको यू लिखेंगे। आप कंसीडर करें हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्यू है, क्यू है। अब ये जो चार्ज क्यू है इसके राउंड में अगर हम कंसीडर कर लें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक इधर हम पॉइंट ले लें, ये हमारे पास पॉइंट ए और ये हमारे पास क्या है पॉइंट बी है। अगर हम दो पॉइंट ले लें तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो पॉइंट ए मतलब ये जो हमारे पास चार्ज है इसकी वजह से दोनों में पोटेंशियल होगा, एक ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल वी ए होगा और ये जो हमारे पास बी है इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा वी बी होगा। ये जो हमारे पास दोनों पोटेंशियल है, अगर हमारे पास ये जो चार्ज है ये जो किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज मूव करता है अगर वो पॉइंट चार्ज क्या है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करेगा पोटेंशियल वी ए से वी अगर पॉइंट ए से बी तक मूव करेगा उसका जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा और पॉइंट बी का क्या होगा वी बी होगा। अब जैसे वो मूव करेगा तो वो क्या करेगा वो हमारे पास क्या करेगा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, मतलब क्या करेगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा गेन करेगा। अब वो क्या करेगा पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, मतलब जैसे मूवमेंट हुई तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या प्रोड्यूस करेगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास कुछ यू आएगी डेल यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी, किसके बराबर आएगी डेल यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी के बराबर आएगी। अब अगर हम गौर करें हमारे पास ये जो क्यू है चूंकि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम ये
ये जो हमारे पास चार्ज क्यू है ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी डेल यू इज इक्वल टू ई डेल वी, डेल यू किसके बराबर आ गया ई डेल वी। हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है चेंजिंग करंट, जब हमारे पास उसकी मोशन होती है चार्ज की तो हमारे पास जो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास किस में चेंज होती है चेंजिंग करंट के एनर्जी में। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी डेल के डॉट ई डेल डॉट के, मतलब हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में आ जाएगी वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा ई डेल्टा वी। अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है लेट कर लें उसकी वैल्यू अगर 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल हो तो हम क्या कर इसकी वैल्यू क्या करेंगे इधर पुट करके हम क्या करेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू की तरफ हम जाएंगे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। अगर हम इसको फॉलो करें तो हमारे पास डेल के ई बराबर ई डेल वी। अब हमारे पास जो ई की वैल्यू है वो हमारे पास है 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। उसके बाद हमारे पास जो डेल वी है वो हमारे पास वोल्ट के बराबर होता है, हमारे पास किसके बराबर है ये डेल वी का यूनिट क्या हमारे पास वोल्ट, और वो जो वोल्ट है हमारे पास वो क्या होता है जूल पर कूलम, किसके बराबर होता है जूल पर कूलम के बराबर, वोल्ट हमारे पास किसके बराबर आएगा जूल पर कूलम के बराबर। तो ये हमारे पास सूत्र इस तरह से निकलेगी 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल मल्टीप्लाई वोल्ट की जगह पर आएगा जूल पर कूलम, क्या आएगा जूल पर कूलम। अगर हम इसकी बात करें तो 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर 9 ये हमारे पास जूल आ रहा है, 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 9 ये तो हमने इसके बराबर प्रूव करना है, अगर चार्ज की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कोलम आएगा, क्या आएगा कोलम, यानी हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ई की वैल्यू है वो हमारे पास रेड करेंगे कि वो हमारे पास 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 19 कोलम के बराबर है। अब ये वैल्यू क्या कर देगा रिप्लेस करेंगे तो यहाँ जे की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा सी आ जाएगा क्योंकि हमने लेट की है, तो अब ये सी से सी हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास डेल डॉट के ई बराबर किसका आ गया 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। ये हमारे पास डेल के जो है डेल के ई जो है वो हमारे पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, किसके बराबर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो अगर इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है तो हमारे पास क्या आएगा 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो क्या होती है 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। नेक्स्ट आगे हम इसी के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिलेटेड क्या करेंगे छोटी सी एग्जांपल करेंगे, तो उस छोटी सी एग्जांपल की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, तो उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास क्या है अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फॉल्स अ पार्टिकल स्टेटमेंट अ पार्टिकल कैरिंग अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3.0 वोल्ट कैलकुलेट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे बात की थी तो उसके रिलेटेड उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि अब पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट पे गौर करेंगे कि हमारे पास अब डिफरेंस स्टेटमेंट में हमारा 0 वोल्ट, मतलब हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका हमारे पास जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है,
तो वो क्या करता है, फास होता है, तो जिसका जो कि फास होता है, जिसका पेंथ डिफरेंस क्या है, 3.0 हुई है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट एनर्जी इक्वायर्ड बाय इट। तो हम क्या करने जा रहे हैं, उसकी एनर्जी जो उसने इक्वायर की है, पार्टिकल मतलब चार्ज दो इलेक्ट्रॉन से क्या फाल हुआ, उसका पेंथ डिफरेंस 3.0 हुई था। अब हम फाइंड करेंगे कि उसकी जो इक्वायर्ड एनर्जी है, उसने जो एनर्जी गेन की है वो क्या है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट पे गौर करें, तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन की बात करें, तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। सॉल्यूशन बाद में करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गिवन डेटा। अगर इसके गिवन डेटा की बात करें, तो हमारे पास जो चार्ज क्यू है वो हमें कितना दिया हुआ है, 2e। क्यू हमें कितना दिया हुआ है, 2e। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज दी हुई है, वो हमारे पास क्या है, 3.0e, जो कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो हमारे पास जो डेल वी है, पोटेंशियल डिफरेंस की चूंकि बात हो रही है, तो हमारे पास डेल वी किसके बराबर है, 3.0e। मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो हमारे पास क्या है, 3.0e। आगे अगर आप इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने पिछले फॉर्मूले में पढ़ा था कि हमारे पास डेल क्यू के हमने इसकी एक्वायर्ड एनर्जी हासिल करनी है, तो वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो डेल के डॉट वी हमारे पास किसके बराबर होता है, क्यू डेल वी। किसके बराबर होता है, क्यू डेल वी के बराबर। अब हमारे पास जो क्यू है, वो हमारे पास क्या है, 2e, और हमारे पास जो डेल वी है, वो क्या है, 3.0b। तो इसको हम 3b लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास 2, 3 का क्या होता है, 6, 2, 3 का 6, और इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 19 जॉल। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 19 जॉल, और हमारे पास ये जो वोल्ट होता है, ये किसके बराबर होता है, जॉल पर कॉलम के बराबर। वोल्ट किसके बराबर होता है, जॉल पर कॉलम के बराबर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 को 1.6 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी, वो कुछ यू निकलेगी, 9.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर 19 जॉल। हमारे पास जो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या निकलेगी, डेल के डॉट ई 9.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर 19 जॉल। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। मतलब हम हमारे पास दो वैल्यू दी हुई थी, क्यू भी दिया होता और डेल वी भी दिया होता। यहाँ पे क्यू की और डेल वी क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों इक्वेशन को हम इसको क्या कर दिया, हमें ई की भी वैल्यू पुट कर दी, और हमारे पास जो वी था उसकी भी क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट चूंकि हमारे पास किसके बराबर था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही थी, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, वो 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 19 जॉल के बराबर था। किसके बराबर था, 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 19 जॉल के बराबर था। तो 1.6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, वो 9.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 9 है। ये वो एनर्जी है जो कि उस पार्टिकल ने गेन की है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच।